और इसमें जो कंपनी ने अपडेट किया है मॉडल है इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया। दो कलर जो अभी अवेलेबल है ये आए दोस्तों, तो आपके सामने ये पेश है जावा 42। ये ब्रांड न्यू मॉडल आप देख रहे हो जावा की तरफ से, जो कि हाल में ही 2021 में जावा ने इंट्रोड्यूस किया है, इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है इसे, और इसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फिलहाल ये मोटरसाइकिल जो आप देख रहे हो अभी हाजीपुर जावा शोरूम में ये उपलब्ध है। बात बाकी इस शोरूम का जो एड्रेस है फ़ोन नंबर के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको जावा मोटरसाइकिल से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप यहाँ पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें मोटरसाइकिल से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और इसमें जो कंपनी ने अपडेट किया है, सबसे पहला अपडेट मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले जो अपडेट आपको मिलेगा एलॉय व्हील्स, स्पोकी एलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे, क्लासिक लेजेंड की ब्रांडिंग आपको मिलेगी स्टिकर फॉर्म में, 42 की यहाँ पर लिखा हुआ है आपको स्ट्रिप फॉर्म स्टिकर फॉर्म मिलेगा। फ्रंट में आपको 280 mm का ब्रेक मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है विथ डुअल चैनल ABS सपोर्ट के साथ। फ्रंट से लुक दिखाता हूँ, ये देखो फ्रंट में जो हेडलाइट सेटअप मिलेगा राउंड शेप में मिलेगा, और इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलता है, और ये बल्ब एंड रिफ्लेक्टर वाले हैलोजन बल्ब वाले आपको इसमें इंडिकेटर मिलते हैं। पेंट जॉब आप देखिए, इसमें जो पेंट जॉब किया है कंपनी ने ये बेसिकली मैट रेड कलर है। इसके फ्यूल टैंक पे 42 क्लासिक लेजेंड आपको स्टिकर फॉर्म में मिलेगा ग्रे और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, माइलेज आपको 30 से 35 के बीच का माइलेज मिलेगा। साइड बाय साइड लुक ले लीजिए, पीछे का आपको मैं डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। पीछे में आपको वही टेल लाइट आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर, और कलर आप देख सकते हैं, करीब से दिखा देता हूँ मैं, मैट रेड कलर। यहाँ पर आपको ग्रे रंग की आपको स्टिकर फॉर्म में मिलेगी, स्टिकर लगी हुई। बैटरी पैनल पर ये देखिए, बैटरी पैनल पर आपको 42 की ब्रांडिंग आपको कंपनी ने लगा के दिया है स्टिकर फॉर्म में। पीछे का सेक्शन आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले 240 mm का, डुअल चैनल ABS सपोर्टेड है ये गाड़ी, और इसमें आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है, यानी दो सलेंसर मिलते हैं, लेफ्ट राइट दोनों आपको साइड में सलेंसर मिलेंगे। ये देखिए यहाँ भी सलेंसर कंपनी ला के देती है, और जो सलेंसर का जो फिटिंग है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसके हेड से आपको दो सेक्शन सलेंसर के लिए निकले हुए, लेफ्ट राइट आपको दोनों साइड आपको सलेंसर का सेक्शन दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही साइड से आपको सलेंसर निकल के नीचे से बेंड पाइप एडजस्ट करके दो सलेंसर निकाल दिए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइड आपको हेड में सेक्शन दिए हुए हैं सलेंसर निकालने के लिए। और ये हेड पर आपको जावा की ब्रांडिंग, और इंजन का कलर आप देख सकते हैं, ये आपको मैट ब्लैक कलर का इसका इंजन का पेंट जॉब कंपनी करके दी है। इसमें जो अपडेट एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका ट्रिप वन ट्रिप टू और ओडोमीटर का ये आपको यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ट्रिप बटन आपको यहाँ पर मिलेगा इसके इंजन किल स्विच के ठीक नीचे। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए मीटर, ट्रिप बी, ओडोमीटर, और ये ट्रिप ए, यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ ट्रिप सेक्शन वाला बटन, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और ये जो जावा वर्जन 1 है, ठीक है, जावा 42 वर्जन 1 में आपको ट्रिप वाला बटन यहाँ पे कंपनी लगा के नहीं देती थी। और एक और अपडेट देख लीजिए, इसका जो मिरर है, ये मिरर इसके हैंडल से ही अटैच आता है, जो मॉडिफिकेशन वाले जो मिरर्स आते हैं जो हैंडल में हैंडल बार के साथ अटैच होते हैं, सेम वही चीज़ है, यही आपको इसमें लगा के कंपनी देती है। तो ये अपडेट आप देख लो इस मोटरसाइकिल का। और एलॉय व्हील्स तो मैंने आपको दिखा दिया, इंजन का पेंट आप देख सकते हो, और इसमें कलर का जो जॉब है आप देख लीजिए। इसमें जो हेडलाइट ग्रिल है वो अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा शोरूम में जब आप बाइक खरीदोगे तब, और अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको विंडशील्ड भी, यहाँ पे शोरूम में जब आप बाइक परचेस करेंगे ना तो यहाँ पे आपको विंडशील्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इस बाइक को एक अलग नेक्स्ट लेवल लुक देगा। और पीछे में जो इसका जो बैक रेस्ट है यहाँ पे अभी लगा हुआ नहीं है, और यहाँ पे जब आप बाइक यहाँ पे जब आप परचेस कीजिएगा तो यहाँ पे बैक रेस्ट भी यहाँ पे अलग से आप चाहो तो इंस्टॉल करवा सकते हो। फ्रंट सस्पेंशन आप देख लीजिए, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, बैक वाला सस्पेंशन वही आपको गैस चार सेंसिस्टर्स आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन आते हैं। तो अब मैं आपको इसकी इंजन की जानकारी मैं देता हूँ। जावा कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में लगाया है 300 cc का लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन। इसकी मैक्सिमम पावर है 28 BHP, और इसका जो टॉर्क जनरेट होगा इसके इंजन का वो 27.5 Nm टॉर्क ये जनरेट करेगी। नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 6 मिल जाएंगे, और इस बाइक का जो कुल वजन, इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 172 kg। तो ये तो रहा न्यू मॉडल की बात, इसका जो वर्जन 1 है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली ये कंपैरिजन वीडियो है। ये नए वाले में आपको एलॉय व्हील्स आते हैं, स्पोकी एलॉय व्हील्स आते हैं,
इसका जो वर्जन 1 आता है ये भी अभी मार्केट में ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। इसमें स्पोक आते हैं, कलर आप देख लो, ये वर्जन 1 कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं 42 लिखा हुआ यहाँ पे स्टिकर में। स्काई ब्लू कलर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई स्टिकर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गोल्डन कलर का लाइनअप स्टिकर आप देख सकते हैं इसके फ्यूल टैंक पे मिलेगा स्टिकर फॉर्म में। जावा की ब्रांडिंग आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके बैटरी पैनल पे जो सेक्शन है जिसे हम लोकल भाषा में बैटरी पैनल ही कहते हैं, और इस पर आपको 42 की ब्रांडिंग आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ सिंपल से स्टिकर लगे हुए मिलेंगे। इंजन आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश वाला इसमें इंजन आए, और यहाँ पे जावा की ब्रांडिंग आपको ये सिल्वर वाइट कलर का हेड का जो आप देख सकते हो सेक्शन इसके इंजन का, ये आपको सिल्वर वाइट कलर में मिलेगा। और जो साइलेंसर आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश वाला साइलेंसर आपको मिलेगा, और वही चीज़ है जो नया मॉडल में आप देख रहे हो, वही सारे चीज़ें, बस इंजन का कलर आपको इसमें क्रोम आएगा और उसमें आपको ब्लैक कलर का आपको इंजन पेंट करके देती है कंपनी। और दोस्तों मैं इन दोनों के टायर को भी दिखा देता हूं और आपको अंतर बता देता हूं। सबसे पहले ये प्रीवियस जनरेशन आप देख रहे हो जावा 42 BS6 का, तो इसमें आपको देख सकते हैं ये स्पोक आपको आता है और ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, इसमें ट्यूब लगे हुए हैं। और इसका जो फ्रंट टायर है आपको वही आपको मिलेगा 90/90/18 का आपको ट्यूब वाला टायर मिलेगा। और इसके ठीक बगल में है जावा 42, ये BS6 वेरियंट है 2.1, इसमें आपको अलॉय व्हील्स है, ये आप देख सकते हैं इसमें आपको ट्यूबलेस टायर आपको कंपनी लगा कर देती है। तो जो ट्यूबलेस टायर का जो बेनिफिट होता है आपको 2.1 वर्जन में मिलने वाला है, जबकि इसका जो प्रीवियस जनरेशन आता है वर्जन 1 जावा 42 का उसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है, ट्यूब वाला टायर मिलते हैं। और भाई साहब ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो जावा 42 वर्जन 1 BS6 वेरिएंट का जो ऑन रोड प्राइस है 1,98,424 से लेकर के 2,14,000 तक आपको इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा शोरूम में। और यहीं पे जो जावा 42 BS6 वेरिएंट 2.1 जो 2021 का जो फ्रेश मॉडल है इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया है 2,21,262 रुपया इसका ऑन रोड प्राइस रखा गया है। दो कलर जो अभी अवेलेबल है ये आपको मैट रेड कलर जिसे हम ओरियन रेड कलर कहते हैं, और ये ऑल स्टार ब्लैक कलर जिसे हम मैट ब्लैक भी कह सकते हैं। तो दोनों कलर अभी ये जावा 42 वर्जन 2.1 BS6 2021 के मॉडल में ये जावा शोरूम में उपलब्ध है। बाद बाकी इसका एक और कलर आता है वो सीरीज वाइट कलर, वो अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये दो कलर मैंने आपको दिखा दिया और इसका कंपेयर मैंने कर दिया इसके वर्जन 1 यानी प्रीवियस मॉडल से। तो दोनों का मैंने ऑन रोड प्राइस बताया, कलर ऑप्शन बता दिए, इस दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा ये भी दिखा दिया, समझा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बॉस, ठीक है। तो मिलता हूँ आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इस भाई को इजाज़त, जल्दी मुलाकात होगी आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में। लिव फ्री राइड हार्ट एंड हैव अ सेफ राइड, पीस आउट।